हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगी यहाँ पे करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी फोर्स का एग्ज़ाम, आर्मी, नेवी, पुलिस। ये वाले क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आपने यहाँ से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद के जो है किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संजय कोठारी, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। और एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पर इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, मैं वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन डिटेल से करा देती हूँ, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो आपको बताना है कि वह किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को जो है पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है उत्तरी अरब सागर में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है कब मनाया जाता है या फिर किस तारीख को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्वास्थ्य द्वारा, किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ मूल्य में कमी आने का अनुमान है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो विश्व बैंक के अनुसार जो है सभी कमोडिटी के मूल्य में जो है कमी आने का अनुमान है कोविड-19 के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार, क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि असम राज्य में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण जो है 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है असम राज्य में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंग जोम दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि खोंग जोम दिवस जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि जो खोंग जोम दिवस है वो 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्रा हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्रा हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 पश्चिम बंगाल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि जो देवानंद कुंवर थे ये बिहार त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और उनका हाल ही में 77 साल की आयु में जो है निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि जो कोविड फार्मा मोबाइल ऐप है वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि जो पत्रकार कोरोना वायरस के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगी, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो राइट आंसर होगा आपका फिच रेटिंग के अनुसार, आप लोग ये भी याद रख लेना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.8%, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना फिच रेटिंग्स के अनुसार जो है फिच रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर को घटाकर 0.8% कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 3 करोड़ डॉलर, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए जो है 3 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2021 तक, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 142, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि भारत जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर है आपका नूर का प्रक्षेपण जो है ईरान देश ने किया है, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के एक महिला नव प्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी केरल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य सरकार, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कोविड इंडिया सेवा, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़राइल, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 7 साल, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है?
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 60 दिन, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ई रक्त कोष, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखना। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हे गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।